गुड इवनिंग दोस्तों, हम लोग इन्वर्स पढ़ रहे थे तो आज कुछ क्वेश्चन हो जाए इससे। मैं राहुल मुकेश, आज का पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स 8/17 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 प्रूफ डेट करनी है इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 36/85। तो सबसे पहला काम जो रहेगा हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड ये है। क्वेश्चन को पहले आप लिख दो साइन इन्वर्स 8/17 प्लस साइन इन्वर्स 3/5। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर खींचेंगे। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा 8 है, हाइपोटेनस हमारा 17 है। बेस, ये बेस का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है हमारे पास 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इसे अगर सॉल्व किया जाएगा 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 225। ये 225 जो है वो 15 का स्क्वायर रूट है, मतलब हमारा ये जो बेस आ गया वो आ गया 15। यही काम अब यहाँ पे करने वाले हैं। फिर एक ट्रायंगल खींचें साइन थीटा, पी बाय एच होता है, पी हमारा 3, एच हमारा 5। तो बेस कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 25, 5 पे स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो साइन में था इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 होता है पी बाय बी, यहाँ पर लिख दो आप 8/15। प्लस का सिंबल था तो यहाँ पर भी प्लस ही होगा, इधर भी आप लिख दो 10 inverse 3/4। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वीडियो देख लोगे आप, 10 inverse x plus 10 inverse y = 10 inverse x + y / 1 - x (y). तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, मतलब 10 inverse x के प्लेस में लिख देते हैं 8/15 प्लस y के प्लेस में लिख देते हैं 3/4 अपॉन 1 - 8/15 into 3/4। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 15 और 4 कैल्शियम हमारा 60 हुआ, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 + 45 अपॉन। यहाँ पर भी आप चाहो तो कट कर सकते हो, ये कट नहीं करनी है, एलसीएम ले लो 60। इसलिए एलसीएम लेने के लिए कह रहे हैं कि ये 60 है, ये 60 बाद में हमारा कट जाएगा। 60 - 8 × 3 = 24। ये 60 गया, कट हुआ, आ गया 10 inverse 32 + 45। ऐड कर लें इसको 2 + 5 = 7 3 + 4 = 7 अपॉन 60 में से 24 को माइनस कर रहे हैं 0 10 में से 4 गया 6
कितना हो गया 5 में से 2 गया 3। लेकिन आप देखोगे हमको यहाँ पर कॉस में प्रूव करनी है, हमारा आंसर किस में आया है 10 में आया है। तो वापस यहाँ पर एक ट्रायंगल खींच लेते हैं, टेन थीटा ट्रायंगल, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी, मतलब ये 77 ये 36। एक बात अब और चेक करोगे, ये आपका पी होगा ये आपका बी होगा, तो कॉस में ये आपका बी होगा ये आपका एच होगा। देखिए दोनों का बी आपका सेम हो रहा है, मतलब एच आपका जो रिमेनिंग है 85 उसको आप यहाँ लिख दो, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बी बाय एच होता है मीन्स 36/85 हो गया हमारा राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले को देखा, वो फार्मूला जो काम का आया वो देख लो आप, फार्मूला आया काम का टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यह है जो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन का वीडियो बनता रहेगा, आप लोग फॉलो करते रहें। थैंक यू।